गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू राजन ब्लॉग्स। बिर बिलिंग से आप लोगों का स्वागत है। अभी सुबह के 8:15 बजे हैं, हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं। हमारे जो पैराग्लाइडिंग वाले भैया जिनसे रात को बात की थी, उन्होंने बोला है कि आ जाओ भैया, पैराग्लाइडिंग हो रही है, क्योंकि मौसम आप देख रहे हो साफ़ हो गया है। और सुबह ना हमने देखी भी काफ़ी सारी ग्लाइड्स यहाँ से जा रही थी। तो बस यही है, अभी रेडी हो गए, चाय पीनी है फटाफट, फिर जा रहे हैं ऊपर बिलिंग, वहाँ से हमारी पैराग्लाइडिंग शुरू होगी। यही बताना था, आज का दिन शुरू हो गया है। आज आपको अलग एडवेंचर देखने में मिलेगा भैया। मेरी कोशिश तो है कि मैं कर पाऊँगा, पता नहीं कि नहीं, डर तो लग रहा है मुझे, बाकी पहली बार है मेरा, जाके देखते हैं। चाय का ऑर्डर करने जा रहा हूँ, सुमित भाई आ रहे हैं अभी, चलो। तो गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए, और ये हमारे दोनों भाइयों के पायलट हैं, यहाँ पे बैठे हैं। देखो, एक ये भाई मनोज भाई हैं, आपका क्या नाम है? विकास सर। विकास, तो ये दोनों भाई मनोज भाई जाएंगे मेरे साथ और विकास भाई जाएंगे सुमित के साथ। तो बाकी सब महादेव की कृपा से जो होगा देखी जाएगी। हम तो पहली बार कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो उस टाइम में अगर आप बैठ जाते हो, जंप करते हो, तो पायलट उस चीज को स्टेबल नहीं कर पाएगा। अच्छा, पैराग्लाइडर को स्टेबल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको आपके साथ भागना भी है और ग्लाइडर भी स्टेबल करना है। ठीक है, रनिंग में सम टाइम क्या होता है कि आपको रन करना भी पड़ता है, कई बार नहीं भी करना पड़ता है। पर हम लोग वही बोलते हैं कि स्टार्टिंग में आपने कोशिश करनी है प्रॉपरली पांव चलाने हैं, प्रॉपरली चलते रहना है, बैठना नहीं है और जंप नहीं करना है। अगर हवा का प्रेशर ठीक होता है तो फिर ज्यादा नहीं भागना पड़ता भाई। हम लोग फ्लाई तभी करते हैं जब हवा हमारे मतलब अकॉर्डिंगली होती है, जैसे कि फ्लाईएबल कंडीशन सुटेबल होगी तभी हम लोग फ्लाई करते हैं। जैसे कि थोड़ी रफ हो गई हवा तो हम लोग फ्लाई नहीं करते हैं। यहाँ पे एसोसिएशन जो है बीपीए, वो लोग नोटिफाई कर देते हैं सभी को कि हाँ जी, इस टाइम फ्लाई आपकी बंद है। गाइज देखो, ऐसे होने वाला एडवेंचर आज हमारा भी। वाओ यार, हो जाए शुरू। गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं जहां से टेक ऑफ होना है हमारा, बिलिंग साइट है ये, देखो सभी लोग हैं यहां पे। और कुछ ऐसे ही फ्लाइट जाएगी हमारी भी, अभी थोड़ी देर में नीचे जाना है। पायलट साहब इधर हैं, बस ये अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। टच नहीं करना है, ठीक है। और इनको देखो, भागना होता है स्टार्टिंग में, बैठने की कोशिश मत करना, जंप करने की कोशिश मत करना, ठीक है? ऐसे बैठना मत प्लीज, ओके? ठीक है। ये आपने मुझे क्या पहनाया है? ये हार्नेस। मुझे ओ फौजी छोटा ना दे, ठीक है भाई, प्लीज करके बैठना मत, ठीक है? क्या होता है कि ग्लाइडर हम लोगों को ऐसे पीछे ऐसे रहूँगा, आप आगे रहोगे, आपने कंटिन्यू यहाँ से लेकर लास्ट तक पाँव चलाते रहना है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना, जितने अच्छे आप पाँव चलाओगे उतना अच्छा ही होगा। स्टार्टिंग में बोलूँगा कि भाई आप वॉक कीजिए, आगे की तरह थोड़ा वॉक कीजिए फोर्स के साथ, ठीक है? फिर अगर मैं बोलता हूँ कि रन कीजिए तो आपने रन करना है, ठीक है? अपने मन से कुछ नहीं करना है, ठीक है? ना ही बैठना है ना ही जंप करना है, ठीक है? बैठना और जंप बिल्कुल नहीं करना है, प्रॉपरली रन करना है। अगर मेरे को सुनना है, अगर मैं बोलता हूँ कि स्टॉप, दैट मीन्स स्टॉप, ओके? ये तीन चार चीजें अपने माइंड में उठा देना। गाइस, महादेव का नाम लेके कर रहे हैं पहली बार पैराग्लाइडिंग, हार्ट बीट बढ़ रही है मेरी। भगवान मैंने आपको बता दिया, नहीं बैठना है ना ही जंप करना है, ओके? नीचे तक ना, वहां तक जहां तक पैर टच करेंगे, जहां तक जमीन में पैर टच होंगे पांव चलाते रहना है, ठीक है जी? एयर में जाओगे आपको पता नहीं लगेगा कब बैठ जाओगे, ठीक है? रन 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 रन, पीछे करो अंदर, कंफर्टेबल? हाँ, ओके। Wow.
लैंडिंग साइट आने वाली है गाइस हमारी ना, वो वहाँ पे लैंडिंग साइट है। देखो सभी पैराशूट वहीं पे हैं, ये ग्लाइड। वहाँ पे जाना है गाइस। हवा बहुत ठंडी लगती है यहाँ पे ना, होंठ सूख रहे हैं, गला भी सूख रहा है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, सीरियसली मजा आ गया। गाइज लैंड कर चुका हूँ, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था यार, बहुत मज़ा आया सीरियसली, क्या बताऊँ, मतलब शब्द नहीं है अभी तो फिलहाल। गाइज हम लोगों ने ना सोचा ही नहीं था, मनाली में बैठ के ऐसे ही सुमित ने बताया मुझे कि भाई मैं जा रहा हूँ पैराग्लाइडिंग करने बिरबिलिंग, तो मैंने कहा चलो यार मैं भी सोचा कि मैं भी चलता हूँ, पहली बार मैंने किया नहीं था कभी, बहुत ही मज़ा आया। क्यों कैसा लगा? सीरियसली बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था सीरियसली, मैं क्या बताऊँ। वहाँ से उड़ने के बाद फिर जैसे ही लैंड करे उसके बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या अचीव कर लिया हमने, पैर में ऐसे गुदगुदी सी होती है और पेट में भी, पेट में भी भाई क्या मजा। बाद में ना उन्होंने ऐसे बीच में स्टंट किया, जैसे अभी ये लैंड कर रहे हैं ना तो ऐसे घुमाते हैं ऐसे हवा में, तो उससे और ज्यादा ऐसा फील आता है जैसे एडवेंचर, हाँ जैसे जॉय राइड टाइप कुछ वो होता है ना झूला, ऐसा लगता है। मजा आया, इनका भी पहली बार था मेरा भी पहली बार, मजा आ गया, अमेजिंग एक्सपीरियंस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अब समय आ गया है बिरबिलिंग को अलविदा कहने का और अपने घर की तरफ दिल्ली की तरफ चलने का। टाइम हो गया है 11:48, हम लोग निकल गए जी यहाँ से। गूगल मैप लगा के निकलना पड़ेगा। सुमित भाई चले जाएंगे यहाँ से पालमपुर और कांगड़ा ना। हाँ मैं जा रहा हूँ कांगड़ा। हाँ और मैं गाइस निकलूँगा आज दिल्ली घर की तरफ, तो यहीं तक हमारे सुमित भाई के साथ था हमारा, मज़ा आया यार बहुत मज़ा आया। फिर दोबारा फ्यूचर में कभी राइड प्लान करेंगे साथ में ना, डेफिनेटली करेंगे। और बताओ सब बढ़िया? गूगल मैप लगाए? हाँ लगा लो। है ना? हाँ लगा लो, इधर से ही लगा लूँ। गूगल मैप दिखा रहा है 500 किलोमीटर्स और 10:48 का टाइम। आज पूरे दिन भर का सफ़र रहेगा अकेले। बिरबिलिंग जो है एशिया की सबसे बड़ी पैराग्लाइडिंग साइट है और वहाँ पे पैराग्लाइडिंग करी आज मैंने यार, वो भी लाइफ में पहली बार, बहुत ही मज़ा आया, बहुत अलग एक्सपीरियंस था। अब कोशिश है कि एक बार मैडम को करवाएंगे अपनी निधि जी को, अगली बार तभी आया जाएगा।
गाइस बारिश आ गई है और एक शेड मिला है मुझे, देखो यहाँ पे रुका हूँ, सोच रहा हूँ रेनकोट निकालूँ पहनूँ और फिर निकलूँ, क्योंकि मौसम लग नहीं रहा कि साफ होएगा। अभी 300 किलोमीटर बचा है दिल्ली, तो ऐसे पॉलीथीन में डाल के अपना कैमरा और फ़ोन सब रख दूँगा टैंक बैग में, फिर ऊपर से रेन कवर लगा दूँगा, रेनकोट मेरा इनमें है, यहाँ से निकाल के पहनता हूँ फिर निकलता हूँ यार। ब्लॉगिंग देखता हूँ हो पाएगी कि नहीं। देखो बारिश हो रही जोरदार,